नवाज शरीफ बहादुर आदमी नहीं, एतजाज अहसन की तनकीद, कहा मियां साहब के बेटे और समधी पहले से ही मफरूर हैं। मरियम नवाज को यहां पर छोड़ जाना दुख की बात है। आसिफ अली जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट्स इनके खानदान को क्यों नहीं दी जा रही। मौलिज की रसाई का मुतालबा मुसलसल नजरअंदाज। हुकूमत जान बूझ कर आसिफ अली जरदारी को तकलीफ दे रही है। शरी रहमान का हुकूमत पर इल्जाम। जिम्मेदारी है वो अपने फैसला अपने तौर पे करेंगे। मैं समझता हूँ कि फैसला चूंकि दुरुस्त है, टेक्निकली इसकी नजीर पहले मिली है। हाई कोर्ट को सिर्फ इससे काम है कि वो जमानत ली है तो वहाँ पहुँचे, तारीख पे पहुँचे, जमानत दे तारीख पे पहुँचे। उनको ये नहीं गरज कि वो उस दौरान कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं। वो पिंडी में रहता है मुलजम, या वो पिंडी भटिया में रहता है, या लाहौर में रहता है, या कराची में रहता है। जमानत वो देता है कि मैं तारीख जब होगी उसको पहुंचूंगा, तो वो कहीं भी रहे। इससे अदालत का सरोकार नहीं, ECL से ECL पे नाम डालना ना डालना ये हुकूमत का काम, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अगर वो ECL पे नाम डालते हैं तो जिसका नाम डाला जाए वो अदालत में उसके खिलाफ दाद रसी की कोशिश कर सकते।